मेरठ कोरोना वायरस ने जानी क्षेत्र के सिवाल खास विधानसभा में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। सिवाल खास निवासी 27 वर्ष अब्दुल कलाम वार्ड नंबर 2 काफी समय से किडनी का मरीज है। अब्दुल कलाम डायलिसिस कराने के लिए मेरठ गया तो हॉस्पिटल वालों ने पहले कोरोना का टेस्ट किया। कोरोना टेस्ट में अब्दुल कलाम की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। अब्दुल कलाम की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सिवाल खास वासियों में दहशत बन गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह ही अब्दुल कलाम के घर पर पहुंची और अब्दुल कलाम को लेकर हॉस्पिटल ले गई। ट्रीटमेंट के लिए साथ में घर में रह रहे 10 व्यक्तियों के भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 10 व्यक्तियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। घर के व्यक्तियों से कहा गया है कि आप लोग घर से बाहर ना निकले। सिवाल खास कस्बा वार्ड नंबर 2 के एरिया को सील कर दिया गया है। मेरठ से शुभम शर्मा की रिपोर्ट। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब 115 हो चुकी है, जिनमें 53 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, जिनमें 6 लोग उपचार के दौरान मृत्यु हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जो कि यहां पर एक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट हुआ था जो नेगेटिव आया था। वहीं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में उसका टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आया, उसकी मृत्यु हो चुकी है। मेरठ से शुभम शर्मा, IPN न्यूज़, मेरठ।